हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक और नए फिटनेस मोटिवेशन ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो हमारे डेली के काम है ना, ये सब तो हमारे चलते ही रहते हैं, लेकिन हम हाउसवाइफ जो होते हैं ना, एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग दुनिया में हर वो काम कर सकते हैं जिसे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों के अंदर सेल्फ मोटिवेशन ही बहुत ज़्यादा होता है। बस इस मोटिवेशन को ना पहचानने की देर होती है। जिस तरीके से हम लोग घर के सारे काम रोज़ बिना डीमोटिवेट हुए, कितनी भी तबीयत खराब हो, कितनी भी दिक्कत हो रही हो, हमको कभी छुट्टी नहीं मिलती है ना, और ना ही हम कभी शिकायत करते हैं। अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ डेली की डेली करते हैं। कितने भी थक गए हों, हम कभी घर का काम करने के लिए या फिर घर के लोगों की जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई भी बहाना नहीं बनाते, तो फिर क्यों हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इतने सारे बहाने बनाते हैं। तो जो लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो सब लोग आज की इस वीडियो से एक चीज़ ज़रूर सीख के जाना कि जीवन में कुछ भी करो, लेकिन अपने लिए पूरे दिन का एक घंटा ज़रूर निकालो। उसमें आप कुछ भी अपने मनपसंद काम करो, एक्सरसाइज करो, गाने लगाकर डांस करो, एरोबिक्स करो, जंपिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने लिए दिन का एक घंटा ज़रूर निकालो, क्योंकि ये जो एक घंटा है ना, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए और आपके शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो घर के कामों को भी करते रहो, लेकिन साथ साथ अपने को भी थोड़ा सा समय दो और अपने को भी मोटिवेट करो। कोई बहाना मत लगाओ अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि कहा गया है कि जिस इंसान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता ना, उसके पास कितना भी धन हो पर वो फिर भी गरीब होता है। क्योंकि जो हमारा स्वास्थ्य है ना, ये हर धन से ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि धन चला गया तो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य चला गया तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आता। इसीलिए पहली प्रायोरिटी जो है वो घर के कामों को भी दो, लेकिन साथ साथ अपने आप को भी प्रायोरिटी देना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो जो आपको अच्छा लगे वो ज़रूर कीजिए, अपने आप को भी खुश रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने लिए डेली समय निकालिए और अपने ऊपर ध्यान देना आप सब लोग आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर ध्यान हमको खुद ही देना होगा। जैसे हम सब लोगों का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही अपना खुद का ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कोई हमसे प्यार क्यों करे, हम इस चीज़ की उम्मीद क्यों रखें कि बाकी सब लोग हमारा ध्यान रखेंगे और बाकी सब लोग हमसे प्यार करेंगे। नहीं, हमें खुद से खुद ही प्यार करना है। अपनी जिम्मेदारी भी हमें खुद ही उठानी है, जैसे हम और सब लोगों की जिम्मेदारी उठाते हैं। अपने घर के बाकी के सारे मेम्बर्स के लिए हम जितनी शिद्दत से काम करते हैं ना, उतनी ही शिद्दत से आज से आप सबको अपनी हेल्थ के लिए भी काम करना है। तो मुझसे प्रॉमिस कीजिए आप सब लोग कि आज से ही ये प्रॉमिस करेंगे खुद से कि पहली प्रायोरिटी आप खुद को देंगे। बाकी सबके लिए भी आप सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने लिए डेली एक घंटा आप ज़रूर निकालेंगे, जिसमें आप अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, अपनी मनपसंद एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, क्योंकि हम लोग हेल्दी तभी रह सकते हैं जब हम बाहर का जंक फूड ना के बराबर खाएं। मतलब खाएं कभी कभी, क्योंकि सब चीज़ें खाने का सबका मन करता है, लेकिन ज़्यादातर आप घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, जो आपको अच्छा लगे वो बनाकर खाइए, और पोर्शन कंट्रोल रखिए, क्वांटिटी का ध्यान रखिए। बाकी मैं समय समय पर आपको छोटे छोटे फिटनेस टिप्स और हेल्थ टिप्स, वेट लॉस टिप्स देती रहूँगी, जो आपका मदद करेंगे घर में रहकर सब कुछ खाते पीते हुए, अपने सारे के सारे काम करते हुए भी आप अपना वेट कम कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग जिम जाते हैं या फिर हैवी वर्कआउट करते हैं वो लोग ही अपना वेट लॉस कर पाते हैं। हम घर का खाना खाते हुए और सब कुछ खाते हुए अपने मन पसंद, ऐसा नहीं है कि आपको उबली हुई सब्जियां खानी है या फिर सिर्फ फल ही खानी है या फिर सिर्फ सलाद ही खानी है, ऐसा नहीं है। जो आप खाना चाहो, अपना मनपसंद टेस्टी यम्मी चटपटा चटाकेदार, जो भी आप कहो लज्जतदार, सब सारा का सारा आप खाना खा सकते हैं घर में रहकर। अपने आप अपने हाथ से साफ शुद्ध और अच्छा खाना बनाकर खाइए, जो भी आपका दिल करे।
क्वांटिटी कंट्रोल रखिए और सब कुछ खाकर साथ में 1 घंटे वर्कआउट और एक्सरसाइज कर अपना वेट आसानी से घर पर रहते हुए ही कम कर सकते हैं। तो काफ़ी दिनों से ना मैंने इस टाइप की ना कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो चैनल पर कमेंट आ रहे थे, लेकिन अब आज से आपको इसी टाइप की वीडियोस देखने को मिलेंगी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना समय नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि जो ठंडों के दिन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और हमको समय नहीं मिल पाता है एक्स्ट्रा अपने लिए समय निकालने के लिए। लेकिन आप सब लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि मैंने भी बहुत ज़्यादा ना लापरवाही कर ली। काफ़ी टाइम से मैं भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही हूँ और सब ठंडों की वजह से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अब नहीं, अब बस अब मैं भी शुरू करूँगी आज से। जैसे मैंने आप सब लोगों को मोटिवेट किया ना, ऐसे आज सुबह मैंने खुद को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है और आज से अब मैं भी डेली एक्सरसाइज करूँगी और अपने खान पान पर थोड़ा सा और ध्यान दूंगी, क्योंकि ठंडों में क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें उल्टी सीधी चीज़ें हर समय खाने का मन करता रहता है। तो खाइए सब कुछ, पोषण कंट्रोल करके खाइए, और अगर जल्दी वजन कम करना चाहते हैं तो बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बाहर की चीज़ों का मतलब बिस्किट नमकीन को भी, क्योंकि वो भी बाहर से ही आता है। घर में बना हुआ सब कुछ खा सकते हैं आप जो घर में बनता है। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और बहुत सारे कमेंट आते हैं चैनल पर कि मैम चाय पी सकते हैं कि नहीं। हाँ जी, आप बिल्कुल चाय पी सकते हैं। ठंडों में चाय आप कैसे बना के पिए कि आपका वज़न भी कम हो और साथ में जो आपकी चाय की क्रेविंग है वो भी ठीक हो जाए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी ना चैनल पे वीडियो पोस्ट की हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसी तरीके से चाय बनाकर आराम से पीजिए। आपका वज़न भी कम होगा और जो चाय की क्रेविंग है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो सुबह का समय था और मैंने किया था ब्रेकफास्ट में पोहा का सेवन। पोहे में बहुत ही कम कैलोरी, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर होता है, तो ये नाश्ते के लिए होता है बिल्कुल परफेक्ट। ये क्वेश्चन आ रहा था काफी टाइम से, सॉरी मैं इतने टाइम से इस पे वीडियो नहीं बना पाई, कि ओट्स की रोटी कैसे बनाते हैं और कैसे इसकी क्वांटिटी मेजर करेंगे। ठीक है, तो ओट्स दो टाइप का आता है, एक आता है रोल्ड ओट्स और दूसरा आता है क्विक ओट्स। ठीक है, तो अभी मेरे पास यही है रोल्ड ओट्स, तो इसकी क्वांटिटी मेजर करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अगर दो रोटी बनाना चाहते हैं आप अपनी, ठीक है, वैसे तो मैं आपसे कहूँगी 32 बार वाला फॉर्मूला फॉलो करने, तो एक बार में एक ही रोटी खाएं, उसके साथ सलाद और सब्जी ज़्यादा खाएं, लेकिन फिर भी मैं आपको दो रोटी की क्वांटिटी बता देती हूँ। एक कटोरी भरकर आपको ना ओट्स पानी में भिगोना है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये एक कटोरी ओट्स हैं, इसको इस कटोरे में डाला और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे लगभग 2 घंटे के लिए ना छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा पानी मत डालना वरना पतला हो जाएगा। बस इसे भिगोना है हमें, जिससे कि इसका ना आटा मारने में हमें आसानी हो, तो बस ये डूब जाए इतना पानी इसमें भर देना। और इसे आपको ना कोई रोस्टेड रोस्टेड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा ये आता है बिल्कुल वैसा ही बस ये डूब जाए आपको इतना पानी इसमें डालना है और गुनगुना पानी ऐड करें। ठीक है, अब इसे आप ढककर रख दें, 2 घंटे बाद ये फूल जाएगा और फिर हम इसका आटा गूंथेंगे, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। फिर इस ओट्स को ना मैंने ढककर रख दिया था और 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। और फिर लंच में ना मैंने बनाई थी पालक की हरी मूंग की दाल, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होती है और वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेशन इम्प्रूव करती है। इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, सल्फ़र, फॉस्फोरस सब बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। और आप सब लोगों को मूंग की दाल और पालक के गुण और फ़ायदे तो सब कुछ पता ही होंगे, तो इसको ना दोपहर के लंच में, रात के डिनर में आपको अगर वेट लॉस कर रहे हो तो ज़रूर शामिल करना है। एक बार इसे दिन में ज़रूर खाइए। पालक का और मूंग की दाल का आप अलग से भी कुछ बनाकर खा सकते हो, बट मूंग की दाल को और पालक को ना अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करो। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसकी, चीले भी बनते हैं और आप कटलेट्स बना सकते हैं सूजी के साथ मिक्स करके, बेसन के साथ मिक्स करके, बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं, इसको आटे में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से ना, बस आपको दिमाग चलाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का सेवन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दालों का सेवन करना है, और जितनी भी चीज़ों में ना प्रोटीन ज़्यादा होता है, जैसे कि टोफू है, चना है, राजमा है, रमास है, काले चने हैं, मूंग की दाल है, साबुत मूंग है, हरी वाली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप ना खा सकते हो। और ये ना स्प्राउट जो था इसमें थोड़ा सा मेरा ज़्यादा पानी डल गया था, तो फिर मैंने इसमें जो मैं इसे मथ रही हूँ ना, पहले तो इसे इस तरीके से अच्छे से मथा था और फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा ओट्स को पीस के उसका आटा इसमें ऐड किया था, तब जाके ये ठीक से हुआ था। तो जब आप इसे भिगो ना तो पहले ही कम पानी में भिगोना, ठीक है, जिससे कि ये आपका ना एक ही बार में ना अच्छे से डो बन जाए। और आप चाहो ना तो ओट्स को
पीस कर ही, मतलब मैंने तो ना ये ऐसे ही भिगो के ही मारा था, लेकिन आप इस ओट को ना पीस लेना मिक्सी में, और जब इसका फाइन पाउडर बन जाएगा तो उसे आप बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह से गूंथ लेना, वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। और ये जो दाल थी ना मूंग की दाल, मैं इसमें ना थोड़ा सा आटा भी डालती हूँ पानी में मिलाकर, जिससे कि ना ये अच्छे से बंध जाती है। ये मेरी सासू माँ ने सिखाया है मुझे ऐसे ही इसी तरीके से बनाना, और मेरे पति देव को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बहुत नाम का ना इसमें थोड़ा सा आटा डाल देती हूँ, जिससे कि पता नहीं इसमें ऐसा क्या होता है कि इसका टेस्ट बढ़ जाता है और टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। और ये ना मेरी कैल्शियम की और विटामिन B12 की टैबलेट है, जो कि मैं अभी कुछ दिनों से खा रही हूँ। ये लेना मुझे लगता है लेडीज़ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट फिर भी आप एक बार अपनी मेडिकल जाँच करा कर और डॉक्टर की सलाह से ही लें, ऐसे ही ना लें। आया था कि ओट्स की रोटी कैसे बनाएं, ठीक है, तो वो उस वाली वीडियो में आपको दिखा रही हूँ मैं। तब तक मैंने आपको दिखाया था कि इसका आटा भिगो कर मारा था, ठीक है। देखो ये गेहूं का आटा है और ये ओट्स का, आपको डिफरेंस पता चल रहा है देखने में, ये थोड़ा खड़ा खड़ा सा है, उसमें वो लोच नहीं है, और ये गेहूं का आटा है जो कि बिल्कुल चिकना है, ठीक है। तो ये जो हमारा ओट्स का आटा है, इसकी अब हम रोटी बनाएंगे, ठीक है। मीज़र और क्वांटिटी मैंने आपको बता दी थी कि किस तरीके से आपको मारना है, ठीक है। तो फटाफट से इसकी रोटी बनाते हैं। तो ये है हमारा आटा, परोथन में गेहूं का ही यूज़ करूंगी, ठीक है, तो आप भी गेहूं का ही यूज़ कर लेना। और अगर आपसे डायरेक्ट ओट्स की रोटी ना बने, वैसे तो बन जाती है, नहीं बने तो आप उसमें थोड़ा गेहूं का आटा मिक्स कर लेना। मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। देखो इसमें ना एकदम स्मूथनेस नहीं आएगी, आपको दूर से पता चलेगा कि ये ओट्स का आटा है, ठीक है। अब मैं परोथन इसमें गेहूं वाली ही यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो ये इजीली बिल गई है, बट आपको दिख रहा है कि इसके जो एजेस हैं वो स्मूथ नहीं है, क्योंकि ये ओट्स की रोटी है। अब अपना तवा आपको करना है गरम, और जैसे ही आपका तवा गर्म हो जाए, इस रोटी को उठा के डाल दीजिए। ओट्स की रोटी बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना बाजरा और मक्की की रोटी है। ओट्स की रोटी इजीली बन जाती है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा हाई फाइबर और हाई प्रोटीन होती है। तो इसे आप गेहूं की जगह पर ट्राई कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और बाकी आप इसके बारे में गूगल पर भी पढ़ सकते हो, ओट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी है और ईजिली बन जाती है। जब तक ओट्स की रोटी बन रही है हमारी, तब तक हम अपनी थाली लगाना देख लेते हैं। तो ऐसे एक कटोरी में आपको दाल लगानी है या फिर सब्जी लगानी है, बाकी आपको अपनी प्लेट को ना भर लेना है फ्रूट्स से। एक मैंने बड़ा अमरूद रख लिया है, कुछ इस तरीके से आपको अपनी आधी थाली जो है वो सलाद से या फिर फलों से भर लेनी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है अभी। तो ये मेरी दाल हो गई, और ठंड है इसलिए मेरा दही खाने का कोई भी मन नहीं कर रहा। तो ये मेरी सलाद हो गई, ये हो गई मेरी दाल और सब्जी, मतलब जो भी आप समझो। ये मूंग की दाल का पालक है, और पालक और मूंग की दाल दोनों में ही हाई प्रोटीन होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारी रोटी सिक रही है, एक तरफ से तच चुकी है और दूसरी तरफ से तच रही है। इस रोटी पर घी आपको तभी लगाना जब आप इसे सेक कर नीचे उतार लें, ठीक है। किसी भी रोटी पे, बाजरा, मक्की, ज्वार की, रागी की, किसी भी चीज़ की आप रोटी बनाएं, उस पर आप घी तभी ही लगाएं जब वो नीचे उतर के थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तभी उसका जो घी है वो फ़ायदा करता है और आपका वेट लॉस में भी वो घी मदद करता है। तो ये लगभग दोनों तरफ से तच चुकी है, अब इसे थोड़ा सा गैस पर सेक लेंगे। देखो कितनी जल्दी सिक गई, और ये गेहूं की तरह मेरी रोटी फूल भी गई है, क्योंकि मैंने ना इसको गर्म पानी में भिगो दिया था आटे को। बस आटे में ना पानी भिगोने की ना क्वांटिटी ठीक रखना, मेरा जो आटा है वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया था, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ओट्स और मिलाया था। ओट्स को मैंने फिर उसे पीस के मिलाया था ओट्स को, क्योंकि इस तरीके से तो वो नहीं बन पाता, तो मुझे उसमें देर लगी थी। तो देखो कुछ इस तरीके से ना सिकेगी इसकी रोटी। अब मैंने इसे उतार लिया है, और अब हम इस पर लगाएंगे घी। ये रोटी गेहूं की रोटी की तरह से नहीं, थोड़ी सी हार्ड रहेगी, बट देखने में वाइट ही हो जाती है, क्योंकि ओट्स भी वाइट ही होता है। तो ये तैयार है आपकी ओट्स की रोटी। जिस जिसको ओट्स की रोटी बनानी नहीं आ पा रही थी, जो लोग मेज़रमेंट नहीं ले पा रहे थे ओट्स की रोटी का,
उनको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे बनानी है। एक बार में एक ही रोटी खाना और इस तरीके से अपनी प्लेट को लगाना, बहुत ज़्यादा जल्दी आपका वज़न कम होगा। और 32 बार चबा चबा के खाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बहुत ही ज़्यादा इजीली टूट जाती है ये वाली रोटी। फिर हो गया था मेरी शाम की चाय का समय। अगर आपको चाय की तलब की इतनी तलब नहीं लगती तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, वेट लॉस ड्रिंक्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये धूप ना निकलने की वजह से फिर से कपड़े गीले रह गए हैं, मतलब बाहर डाले तो थे, जितने हवा में हो गए फरारे हो गए। अब इन सबको प्रेस मार के ही रखना पड़ेगा और ये काम रोज का है तो काम बहुत बढ़ जाता है ठंडों में। जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि ठंडों में कुछ भी काम नहीं होता, तो काम ठंडों में गर्मियों की अपेक्षा और ज़्यादा डबल हो जाता है, क्योंकि ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो कि गर्मियों में होते नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा काम है। इसके बाद फिर मुझे भी मटर भी छील के रखनी है, इतनी सारी इकट्ठी हो गई है काम, मैं कर नहीं पा रही कुछ दिनों से, तो वो सब मुझे आज ही ख़त्म करके रखना है। तो मैं प्रेस कर लेती हूँ कपड़े। अगर अगर हम कपड़े इकट्ठे कर लेंगे ठंडों में तो वो इकट्ठे करके धुल नहीं पाते, इसलिए कपड़े डेली की डेली धोने पड़ते हैं और ये सूखते नहीं हैं, तो फिर प्रेस मार के रखने पड़ते हैं, वरना इतने सारे गीले कपड़े कहाँ तक हम इकट्ठे करते फिरेंगे। तो हम लेडीज़ लोगों के साथ बड़े पंगे हैं, ठंड हो या गर्मी काम हर वक्त फैला ही रात के रहता डिनर है। में मैंने बनाया है ये भेलपूरी। भेलपूरी जो है ये काफ़ी ज़्यादा लो कैलोरी होती है और टेस्टी और डिलीशियस होती है और इजी टू मेक होती है, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी चैनल पर कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। एंड आई होप कि भेलपूरी बनानी तो सबको आती ही है। तो आज का डिनर का ऑप्शन हमारा यही है, इसमें खूब सारे वेजिटेबल्स डाल लीजिए। आई होप कि आज के ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।